किसी ने कहा है कि जो जहाज़ों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। ऐसी कौन सी आपदा है जो हो नहीं सकता? इंसान तेरा जीना चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, और हर रोज़ की तरह आपके बीच मैं अमेजिंग और काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ बहुत ही खास मैकेनिकल वायरलेस डोरबेल, जो कि दोस्तों आप हमारे हाथों में देख रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि हमें और ज़्यादा आपसे प्रेरणा मिले। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वैसे बिहार में काफ़ी ज़्यादा अभी ठंड पड़ रही है, तो दोस्तों इस ठंड में मैं पूरा खुले वातावरण में आपके बीच मौजूद हूँ, और दोस्तों आपके बीच मैं इस वीडियो को बनाकर लाया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। दोस्तों, आपका कमेंट का हमारा इंतज़ार रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इससे अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपके बीच लेकर आते रहूँगा। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर। दोस्तों, मैकेनिकल डोर बेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं, साइकिल का घंटी है। दोस्तों ये साइकिल का घंटी हमने ये कबाड़ी में सलाया है मात्र 10 रुपये में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, इसी में का जो निकलता है जो स्प्रिंग, उसको मैंने अच्छी तरह से इसको लमार दिया है। उसके बाद इसमें सेट कर दिया है, जो आप देख रहे हैं ये टन टन मारता है, जो इसी में का है, जिसको हमने ग्राइंडर मशीन से इसको अच्छी तरह से कटिंग करके इसमें सेट किया है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कि हमने जो एक इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लाई बोर्ड में सेट किया है, और देख रहे हैं दोस्तों उसी में का जो ये क्लिप देख रहे हैं, वो साइकिल में जो कसने वाला होता है घंटी, उसी का ये क्लिप हमने सेट किया है इसमें। अच्छी तरह से आप दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर। दोस्तों अब इसको वायरलेस बनाना है। दोस्तों इसको आप बिना तार के इसको अपने दरवाजे पर लगा के इसको बजा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके इसको सेट करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप ये हमारे हाथों में देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है RC रिमोट कंट्रोल कार का ये सर्किट बोर्ड है, जिसके द्वारा हम इसको वायरलेस बनाएंगे इस डोर बेल को। उसके साथ साथ दोस्तों हमने ये इसमें मोटर सेट किया है, और मोटर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे होल कराया, आप देख सकते हैं यहाँ पर गौर से। उसके साथ साथ ये वाला जो देख रहे हैं ये DVD प्लेयर का ये जो कैसेट जिसमें आता है, वही वाला हमने सेट किया है, पुल्ली जिसको नाम है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे पास एक और चीज़ है जो रिमोट है। दोस्तों यह हमारे हाथों में ये रिमोट देख रहे हैं, इसी रिमोट के द्वारा ये वायरलेस ऑपरेट होगा। दोस्तों अब क्या करना है, इस जगह पे इस मोटर को सेट करना है, लेकिन सेट करने से पहले इसमें 2 लेयर का टेप लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों इस वायर के जरिए इसको अच्छी तरह से प्लास के द्वारा बांध देंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने 2 लेयर टेप लगा के इस मोटर को अच्छी तरह से सेट कर दिया है, अब इसके ज़रिए हम इसको बांधेंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने बहुत ही हार्ड वायर लिया है, जो कि ये जो इसमें फंसा के और इसको मोटर में अच्छी तरह से लगाना है, ताकि ये ही जो ऊपर नीचे करेगा और ये इसको दबा के रखेगा और इसमें टक टक मारेगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमने ये रॉड लगाया है, सिंपल सा ये वायर लगाया है, इसको यहाँ पर ना थोड़ा सा अच्छी तरह से बांध देना है, ताकि ये ज़्यादा अनबैलेंस ना, ढक ढुक ना हो। दोस्तों इसको अच्छी तरह से वायर से हमने बांध दिया है, ताकि ये अनबैलेंस ना हो। दोस्तों अब इसमें स्विच लगा देते हैं, ताकि ऑन ऑफ के लिए इसमें स्विच काम करे। दोस्तों देखिए, हमने इसको ऑन ऑफ के लिए स्विच लगा दिया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है। अब दोस्तों कहना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं सिग्नल का वायर है, जो तरंग को क्या करेगा, ये कैच करेगा सिग्नल को। तो दोस्तों इस सिग्नल का वायर को करना क्या है कि हम इसमें लगा देंगे, ये एंटीना का काम करेगा, ये पूरा ये जो देख रहे हैं घंटी, ये पूरा एंटीना का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए सोल्डरिंग कर देते हैं इसको। दोस्तों पूरा ये फुल कंप्लीट हो चुका है वायरलेस डोर बेल। दोस्तों अब क्या करना क्या है, इस बैटरी में भी हमको 2 लेयर वाला टेप लगाना है, और उसके साथ साथ इसमें ही लगाना है, और स्विच में लगाना है, इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर देना है। दोस्तों अब 2 लेयर के द्वारा हम 2 लेयर टेप के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से बैटरी को यहाँ पर सेट कर देते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो देख रहे हैं सर्किट, देख रहे हैं सर्किट को अच्छी तरह से इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ जो आप स्विच देख रहे हैं, स्विच को भी इस जगह से अच्छी तरह से सेट कर देते हैं।
दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्विच है और यहाँ पे इसका सर्किट बोर्ड है, यहाँ पर बैटरी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मोटर है। अब दोस्तों ये देख रहे हैं हमारे हाथों में रिमोट है। ये जो रिमोट है आपके दरवाजे पर लगेगा, गेट के बाहर लगेगा और इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। इसका रेंज कम से कम 100 मीटर के दायरे में कहीं भी रख सकते हैं, वैसे ज़्यादा दूर तो घर होता नहीं है, यानी कि आप किसी भी रूम में रख सकते हैं या किसी भी जगह रख सकते हैं अपने घर में। तो दोस्तों अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों आप देखिए यहाँ इस स्विच के जरिए हम इसको ऑन कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरा ये इंडिकेट कर रहा है, ये LED बल्ब है जो। अब दोस्तों ये हमारे हाथों में देख रहे हैं ये लाइट, ये जो रिमोट है ये देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसको हम दबाएंगे तो ये कैसे काम करेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम रिमोट को दबाएंगे, दोस्तों देख रहे हैं कितना अच्छा काम कर रहा है।